जय हिंद। आज 29 जुलाई सन 2020 दिन बुधवार, और बुधवार को विद्यालय में खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में सभी से आग्रह किया जाता है कि वे खादी के वस्त्र धारण करके आएं। इसके साथ ही अभिवादन के रूप में आज के दिन नमस्ते के स्थान पर जय हिंद का संबोधन किया जाता है, और जय हिंद के माध्यम से ही अभिवादन किया जाता है। तो प्रार्थना सभा में आगे चलते हैं, आज के पंचांग पर दृष्टिपात करते हैं। आज 29 जुलाई दिन बुधवार, आज के पंचांग पर यदि दृष्टि डालें तो आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज के नक्षत्र की बात करें तो आज विशाखा नक्षत्र है। आज का योग शुक्ल है, सूर्य दक्षिणायन है, उत्तर गोल स्थित है, वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है। यदि आज के राहु काल के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो आज का राहु काल 12:30 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। तो इसके साथ ही आज की प्रार्थना सभा में आज की ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे साथ होंगे शिवांग मंजू, जो कि 7वीं अ की छात्रा है। तत्पश्चात हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे आज का ऐतिहासिक प्रश्न पूछें। उसके बाद जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दी जाएगी। इस समय समय हो रहा है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। All classes be ready for Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvasvah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayam. Om Bhurbhuvasvah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah चोदया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्।
तमस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। बी रेडी फॉर नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना जमुना उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। एक बार फिर से आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। अब समय हो रहा है आज की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो इसके विषय में हम जानेंगे। और इसके साथ ही आज ही के दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं श्रीमती अरुणा आसिफ अली जी का निधन हुआ था, तो इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं और इनके कार्यों पर भी हम आज जानेंगे। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारी सातवीं अ के छात्र शिवांग मंजू। जय हिंद शिवांग, आज की ऐतिहासिक जानकारी को प्रारंभ करें। नमस्ते रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ 29th जुलाई। Firstly, I will tell you about Aruna Asif Ali. Aruna Asif Ali's real name was Aruna Ganguly. She was born on 16 July 1909 and she was died on 29th July 1996. She was an Indian educator, political activist and publisher, an active participant in the Indian independence movement. She is widely remembered for hoisting the Indian national flag at the Gwalior Tank Maidan, Bombay during a Quit India movement in 1942. Secondly, I will tell you about International Tiger Day. International Tiger Day is often called as Global Tiger Day. It is an annual celebration to raise awareness for tiger conservation held annually on 29 July. The goal of the day is to promote a global system for protecting the natural habitats of tigers and to raise public awareness and support for tiger conservation issues. And lastly, I will tell you about Ishwar Chandra Vidyasagar. Ishwar Chandra Vidyasagar, born on 26 September 1820. Ishwar Chandra Bandopadhyay, Ishwar Chandra Bandopadhyay, was a Bengali educator and social reformer from the Indian subcontinent and a key figure of the Bengal Renaissance. His effort to simplify and modernize Bengali prose were significant. And Ishwar Chandra Vidyasagar was died on 29 July 1891. Furthermore, he was 70 years of the age of the time of his death. He was awarded the prestigious of title Vidyasagar from the Sanskrit College in Calcutta, from where he has completed his studies. Vidya is the Sanskrit word which means knowledge and Sagar means ocean. Therefore, Vidyasagar means ocean of knowledge. Ishwar Chandra Vidyasagar make many efforts to bring the Widows Remarriage Act. And my question is, when did Ishwar Chandra Vidyasagar got Remarriage Act passed? धन्यवाद शिवांग, आज की ऐतिहासिक जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया और आपने इसी संबंधित एक प्रश्न भी पूछा है कि
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? मैं प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? आप इसके उत्तर के विषय में चिंतन करिए और उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम आज के जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। जिन छात्रों का आज जन्मदिवस है उनमें सर्वप्रथम है केजी अ की छात्रा आशिमा, छठी ब के छात्र ऋषभ धीमान और सातवीं ब के छात्र नमन पांडे। तो आइए हम सभी मिलकर आशिमा, ऋषभ और नमन को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए विद्यालय में जन्मदिवस के अवसर पर गीत गाया जाता है। तो आइए हम सब मिलकर उस गीत को गाएं और सभी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दें। आप सभी का जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आशिमा, ऋषभ और नमन को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, हमारे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक और छात्र सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएँ दे रहे हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिख रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें। ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करें। अब समय हो रहा है आज के ऐतिहासिक प्रश्न के उत्तर को जानने का। इसके लिए हम फिर से चलते हैं शिवांग मंजू के पास। जैन शिवांग, हमें प्रश्न के उत्तर के विषय में बताएं। आंसर इज मोस्ट नोटवर्थी ही क्वेश्चन द ब्राह्मिनिकल अथॉरिटीज अबाउट द विडो स्टेटस इन द रिलीजियस स्क्रिप्ट। फाइनली आफ्टर मैनी एफर्ट्स ही फोर्स द ब्रिटिश टू ब्रिंग द विडोज रीमैरिज एक्ट इन 1856। ही इज सो गुड डेट ही मैरिज हिज सन विद अ विडो। थैंक यू। धन्यवाद शिवांग, आज की ऐतिहासिक जानकारी एवं ऐतिहासिक जानकारी के उपरांत ऐतिहासिक प्रश्न के उत्तर के लिए आपका धन्यवाद। विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रातःकालीन सत्र में छात्रों को उनके विषय की पाठ्यवस्तु से अवगत करवाया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है एवं इसके अतिरिक्त छात्रों के मनोरंजन के साथ सर्वांगीण विकास के लिए सायंकालीन सत्र का भी आयोजन किया जाता है। इस सत्र में छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास पर भी बल दिया जाता है, जिसके लिए छात्रों को डांस, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, योगा इत्यादि की कक्षाओं के से अवगत करवाया जाता है। सभी छात्रों से आग्रह है कि वह इन कक्षाओं का लाभ अवश्य उठाएं, अर्थात सायंकालीन सत्र में भाग अवश्य लें। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ और सूचनाओं के साथ कल फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
नमस्ते।